कानपुर देहात के मेहता तहसील की मड़ौली पंचायत के चहला गांव का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने झोपड़ी के अंदर माँ बेटी जिंदा जल गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें मामला साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें माँ बेटी जलती झोपड़ी में सही सलामत नजर आ रही थी और पुलिस प्रशासन दलबल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इसके बावजूद भी दोनों की जलकर मौत हो गई। अब तक की प्रकाशित खबरों में तो यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि कानपुर देहात में मैथा तहसील की मड़ौली पंचायत में गर्जा मौत का बुलडोजर। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 70 खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 70। और हाँ, फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की मैथा तहसील की मड़ौली पंचायत के चहला गांव में ग्राम समाज की भूमि से कब्जा हटाने पहुंची पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पर मां बेटे की मौत का दाग लग गया। दोनों को बचाने के प्रयास में गृह स्वामी और जरा इंस्पेक्टर की झुलस गए। आक्रोशित लोगों ने आग लगाने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल सोमवार को कानपुर देहात के मैथा तहसील की मड़ौली पंचायत के चहला गांव में ग्राम समाज की भूमि कब्जा मुक्त कराने में ये हादसा हुआ। आक्रोशित भीड़ ने लेखपाल पर कुल्हाड़ी से हमला किया और अधिकारियों की टीम को दौड़ा लिया और गुस्साए लोगों ने SDM, रूरा इंस्पेक्टर, तहसीलदार व लेखपाल सहित 10 लोगों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग पर अड़ गए। हालांकि मंडलायुक्त, IG, DM आदि ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया, परंतु भीड़ नहीं मानी और जिम्मेदार अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बुलडोजर के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। बाबा जी के जिस बुलडोजर की गोदी मीडिया तारीफ करते नहीं थकती थी, उस बुलडोजर के अतिक्रमण हटाने के दौरान का वीडियो देख लोगों का दिल दहल रहा है। यदि प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस चाहती तो प्रमिला व शिवा को बचा सकती थी। खैर, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 70 क्योंकि खबर हमारी दुनिया का। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।